2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दल के नेता बक्सर में पहुंचकर बक्सर की सियासी तापमान को बढ़ा दिए हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सहयोगी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने नगर भवन के इसी मंच से कहा था कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र लाल झंडे का गढ़ है, तब से इंडिया गठबंधन का साथ ही साथ अन्य राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर के जदयू, भाकपा माले, RLJD तमाम जो नेता हैं वो बक्सर पहुँच रहे हैं और रैलियाँ कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। आज कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर महासम्मेलन कार्यकर्ता परिवर्तन रैली किया गया, रैली किया गया और इस रैली के माध्यम से हुंकार भरा गया और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश दिखने को मिला, इससे जो प्रदेश का नेतृत्व है वो काफ़ी उत्साहित रहा। इस तरह से मंच से अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि रैलियाँ तो कई जगह हो रही है लेकिन बक्सर में जो उत्साह देखने को मिला, इस उत्साह को वह केंद्रीय नेतृत्व पहुँचाएंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुँचाएंगे और जो बक्सर की जनता की जो मांग है, जो कार्यकर्ताओं की मांग है इस नगर भवन में, उस मांग को जरूर पूरी की जाएगी। पिछली लोकसभा के दौरान 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार बिहार में कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी स्थिति साफ था कि बक्सर के लिए अतिरिक्त सीट मांगने की घोषणा कहीं ना कहीं दबी जुबान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कर दी है। जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं और जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के मुकाबले को लेकर के जो जोश और खरोश के साथ जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बक्सर का लोकसभा सीट सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रतीक्षा का विषय बन गया है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बक्सर जो है उत्तरायणी गंगा के तट पर है और यहाँ से बनारस होते हुए एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली की कुर्सी तक जाता है और जो भी कैंडिडेट यहाँ जीतता है उसकी सरकार वहाँ पहुँचती है। और यही कारण है कि तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए बक्सर जो है हॉट सीट बना हुआ है और लगातार बक्सर पहुँचकर अपना दमखम दिखा रहे हैं। सर, पुराना सीट रहा है, परंपरागत रूप से कांग्रेस का सीट रहा है, लेकिन हम यहाँ सीट बांटने नहीं आए। उसके लिए आपने, आपको जैसा मैं बताया कि एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में हम लोग वकालत करेंगे। अनुमान है कि बक्सर कांग्रेस को मिलेगा? भाई तो आपको बता दिया, अभी भाषण में भी बोल दिया, तो एक ही बात बार बार बोलने से नहीं सर, जिस तरह से राजद और जदयू के अलावे भी कई, अगर कांग्रेस के अध्यक्ष को फैसला करना होता तो मैं अभी फैसला करके चला जाता, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न पार्टियों के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसमें हम जरूर वकालत करेंगे। ऐसा मैं सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस तरह से खींचतान चल रही है आप लोगों में और जदयू में, क्या कहेंगे? नहीं हुआ जी को मैं सलाह दूंगा, जो पद खाली मंत्रियों उसको जल्दी से जल्दी भर दें। लेकिन सर, उन्होंने कहा कि संभावना ही नहीं है, अब जिस तरह से उन्होंने मीडिया में कहा था कि अब संभावना नहीं है, कितना बड़ा मंत्रिमंडल होगा? उन्होंने नहीं कहा है। कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाह रही है इस बार लोकसभा का चुनाव? कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाह रही है इस बार लोकसभा का चुनाव? जितना सीट कांग्रेस को मिलेगी उतना सीट पर क्या अनुमान होगा आप लोगों का? हम लोग पिछली बार 9 सीट लड़े थे, इस बार 10 सीट मांगेंगे सर। आसान लगता है जब से इंडिया गठबंधन बना है और आपने देखा है राहुल जी की यात्रा के बाद जहाँ कहीं भी चुनाव हुआ, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा हो, कर्नाटक का चुनाव रहा है, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, और अभी भी जो 4-5 राज्यों के चुनाव होने हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो और राजस्थान का चुनाव हो, देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया एनडीए के गठबंधन के अलावे जो भाजपा के नेता या तमाम जो गठबंधन के अलावा जो राजनीतिक पार्टी के नेता है जो दमखम दिखा रहे हैं, उनके दावे में कितना कम है।